प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। चैप्टर शुरू करते हैं। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वो चिल्ला उठा, ओह मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बात बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं है। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल दिया गया। उस दिन से बालक छिप कर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया और उसने कहा, उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ का निश्चय था। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। तो राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा कि मंत्री जी, आपने बहुत दिनों पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्री की चतुराई जानने के लिए दो घोड़िया भेजी और पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी और बेटी कौन सी। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल न कर सका। राजा का नौकर बंदी गृह को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताती। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, ये कौन कठिन बात है? दोनों को नदी में ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ और पीछे चले वह बेटी है। इसके बाद उसने इसी प्रकार के दो तीन प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोच कर कि इससे हराना कठिन है अपनी सेना हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री को चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे से कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया गया। इसके बाद इस राजा ने भी उससे बहुत सी चल और अचल संपत्ति दी। कुछ दिनों बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यहाँ मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस बात यहाँ देख रहे हैं
मैंने स्वप्न में देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाता अहो मेरा ऐसा भाई के मैंने तब ये बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता हो सकता था कि ईर्ष्या लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते थे। सच ये है कि आप अपने मस्तिष्क में जो विचार है उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म कठोरता लगन और निष्ठता से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता निष्ठा से। अब हम पढ़ते हैं स्वप्न का अर्थ होता सपना, चतुर का अर्थ होता कुशल या होशियार, अकस्मात का होता अचानक, दंड का होता सजा, समस्या का अर्थ होता उलझन, अचल संपत्ति का होता स्थायी संपत्ति, विशाल का अर्थ होता बड़ा, सज्जित का अर्थ सजाया हुआ, अतिरिक्त का अर्थ होता अलग भिन्न, दृश्य का अर्थ जो दिख रहा वह, ईर्ष्या का अर्थ होता जलन, वशीभूत का अर्थ होता वश में किया हुआ, योजनाबद्ध योजनानुसार विधिवत निष्ठा यानी आस्था श्रद्धा, कर्म का अर्थ होता कार्य काम। तो ये पाठ हमारा आज का कंप्लीट हुआ है। अब इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे जो आपको भी अब हम पाठ्य पुस्तक की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आप भी अच्छी तरह से इसको पढ़ना और इस प्रश्नोत्तरी को याद भी करना और अपनी कॉपी में नोट भी करना है। जैसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तरी के सोचो और बताइए। जैसे पहला प्रश्न राजा के प्रश्नों को किसने हल किया, जो उत्तर रहेगा राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक ने कब पूछी, तो स्वप्न देखने के अगले दिन पहली बार सेठ ने बालक से स्वप्न की बात पूछी। तीसरा क्वेश्चन राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे, राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। स्वप्न का बालक पर क्या असर पड़ा, स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। अब अपनी कॉपी में लिखना है। पहला है कि सही उत्तर को कर्माक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखना है। सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल दिया। उस दिन के बाद से ही वह बालक छिप गया, बालक भाग गया और यानी कि बालक छिप गया, बालक भाग गया और बालक नौकरी छोड़कर चला गया। तो इसका सही अर्थ रहेगा बालक छिप कर पढ़ने लगा। नेक्स्ट बे वाला है कि जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा कि नौकरी छोड़ने को, काम करने को या बाजार जाने को या स्वप्न की बात बताने को। तो इसका सही उत्तर रहेगा स्वप्न की बात बताने को कहा था। अब रिश्तानों की पूर्ति कीजिए जिसमें अध्ययन अकस्मात साधारण नौकर और सूझबूझ। तो पहला खालिस्तान में जैसे ये खालिस्तान है यहाँ क्या एक दिन वह जमींदार राजा के यहाँ गया था। तो इसका देखो इसका क्या आएगा, इसका आएगा अध्ययन आएगा क्या है अकस्मात आएगा। दूसरा है कि क्या कि उसने अपना खालिस्तान चालू रखा हुए किसी प्रकार अपने यहाँ पर खालिस्तान से राजा के यहाँ पर खालिस्तान हो गया। तो इस पहले में तो अध्ययन, दूसरा में सूझबूझ, तीसरा में साधारण नौकर हो गया था। प्रश्न नंबर 3 लड़के का स्वभाव कैसा था, लड़का चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन जमींदार ने बालक से क्या कहा था, जमींदार ने बालक से कहा लड़का या तो तू मुझे अपनी स्वप्न की बात बता दे अन्यथा आज ही मैं तुझे नौकरी से हटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा, पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्री की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां
घोड़ियों को भेजा। छठा क्वेश्चन है कि राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी। राजा ने मंत्री को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न के बारे में उसे बता दे या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों और प्रिय छात्रों, ये आज का सातवां पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जो भी कक्षा पाँच का विद्यार्थी है तो उसको ये वीडियो अवश्य भेजिए। एक बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा पाठ।